चार दिवसीय गायत्री महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। नालंदा जिले के रोही प्रखंड अंतर्गत पचासा गांव स्थित ब्रह्म बाबा मंदिर से चार दिवसीय गायत्री महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा ब्रह्म बाबा मंदिर से शुरू होकर पचासा मोरा तालाब गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए गायत्री पीठ पहुंची। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने गांव के सभी देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर दर्शन और पूजन किया। कलश यात्रा के बाद गायत्री पीठ में विधि विधान से गायत्री महायज्ञ की शुरुआत की गई। महायज्ञ में गायत्री मंत्र का जाप कर हवन किया जाएगा। महायज्ञ के समापन पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। बता दें कि इस गायत्री महायज्ञ का आयोजन गायत्री परिवार के द्वारा किया जा रहा है। गायत्री परिवार एक धार्मिक संगठन है जो गायत्री मंत्र के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। लेकर के नौ कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। साथ में आज समाज में किसी भी जाति के लोग हों, शराब तो छोड़ दिए हैं पर ड्रग्स की ओर हमारे युवा भाई लोग जा रहे हैं, तो ये कहे ना उनको कैसे बचाएं, तो वो कहते हैं कि हम पैसे देकर के नहीं बचा सकते हैं अगर पर ज्ञान से वो बच सकते हैं। और ये सत्संग के माध्यम से सभी के लिए मतलब नौकुंजी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें आज जो है कलश शोभा यात्रा हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती नीतू देवी और कलू मुखिया, रंजीत मुखिया और साथ साथ में प्रज्ञा भारती जो भाजपा के मतलब शायद मोर्चा महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इन सभी ने संयुक्त रूप से कुमारी देव कन्याओं के सिर पर रख करके शोभा यात्रा का शुभारंभ कराए। यह अध्यात्म है, भारतीय अध्यात्म जो थे कहते हैं कि राजतंत्र और धर्मतंत्र मिल करके एक मतलब कि सभ्य समाज का निर्माण करते हैं, उसी को उद्देश्य लेकर के गायत्री परिवार स्थान स्थान पर गांव गांव में ये यज्ञ आयोजन का कार्यक्रम रख रहा है कि किसी तरीके से मनुष्यता बच। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके मैं आगे का जो भी मेरा वक्तव्य रहेगा वो रखने जा रही हूँ, तो सभी मनों से मेरी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। इसी तरह आगे भी नालंदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।